नमस्कार, मैं बॉबी झा, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं बॉलीवुड की कुछ खास खबर। साउथ की इस एक्ट्रेस ने अपनी मां पर लगाया शोषण करने का आरोप, ट्वीट करके शराबी भाइयों पर भी कसा तंज। संगीता ने ट्वीट करके कहा है, डियर मॉम, मुझे इस दुनिया में लाने के लिए शुक्रिया, मुझे स्कूल भेजने और 13 साल की उम्र से ही काम करवाने के लिए शुक्रिया, मेरे लिए ब्लैंक चेक साइन करने के लिए शुक्रिया, मुझ पर शोषण करने के लिए शुक्रिया, अपने शराबी और नशेले बेटों के लिए मेरा शोषण करवाने के लिए शुक्रिया, जिसे पूरी लाइफ कोई काम करने को नहीं सूझी। अमृता अरोड़ा का बोल्ड अंदाज पति शकील लद्दाख के साथ आया नजर। अमृता अरोड़ा ने भले ही फिल्म दुनिया से दूरी बना ली हो, लेकिन उन्हें लाइमलाइट में बने रहना बखूबी आता है। हाल ही में अमृता अपने पति के शकील लद्दाख के साथ डिनर एंजॉय करने के बाद बेहद बोल्ड और हॉट अवतार में नजर आई। आलिया ने ट्रोलर को दिया करारा जवाब, सलमान खान के साथ इंशा अल्लाह में अपनी जोड़ी को लेकर कही ये बात। आलिया भट्ट से जब पूछा गया कि वो अपने और सलमान की जोड़ी के बारे में क्या कहना चाहती है, तो उन्होंने कहा, भंसाली विजनर है। लोगों तो ऐसे ही किसी को बिना पूछे बहुत ही जल्द जज कर लेते हैं, हर चीज के पीछे वजह होती है और मेरी और सलमान की इंडिविजुअल काउंसलिंग के पीछे वजह है। मैंने भी इस कॉम्बिनेशन के बारे में कभी नहीं सोचा था। सलमान और भंसाली के साथ ये जर्नी काफी एक्साइटिंग होने वाली है। जब आलिया ने उनके और सलमान की जोड़ी पर होने वाले बच पर बात की, वायरल हो रही है ऐश्वर्या राय और सलमान खान की ये पुरानी फोटो, ये कैसी दिख रही है पूर्व मिस वर्ल्ड। सलमान खान और पूर्व मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय बच्चन की फिल्म हम दिल दे चुके सनम में उनकी केमिस्ट्री लाजवाब रही है। इसी फिल्म के बाद ये खबर उठी तो कि ऐश्वर्या और दबंग खान एक दूसरे को ना सिर्फ डेट कर रहे हैं बल्कि रिलेशनशिप में भी है। वही दोनों के रिश्ते को लेकर अक्सर मीडिया में अलग अलग खबरें चलती रही है। फिलहाल सोशल मीडिया पर ऐश्वर्या राय और सलमान खान की एक पुरानी फोटो तेजी से वायरल हो रही है। मौनी रॉय पर एक बार फिर मेहरबान हुए सलमान खान, दे सकते हैं दबंग 3 में ये खास मौका। सलमान खान बॉलीवुड के उन कलाकारों में से हैं जो बॉलीवुड में बहुत से न्यू कमर्स को चांस देते हैं। आथिया शेट्टी, सूरज पंचोली, हाल ही में नोटबुक के स्टार रनुतन बहन और जहीर इकबाल को सलमान भाईजान ने ही बॉलीवुड में काम दिलाया है। भाईजान जिस पर हाथ रख देते हैं उनकी किस्मत चमक जाती है। वही सलमान खान इन दिनों मौनी रॉय पर भी काफी मेहरबान दिखाई दे रहे हैं, तभी तो टीवी की इस नागिन को सलमान ने एक बड़ा ब्रेक डाला है। सलमान खान के भांजे को ले लोगों ने कहा पोलियोग्रस्त, भानर पिता ने ट्रोलर को दिया मुंह तोड़ जवाब। सलमान खान के भानर पिता ने हाल ही में अपने ट्रोलर्स को मुंह तोड़ जवाब दिया है। आयुष शर्मा और अर्पिता के बेटे को सोशल मीडिया में लोगों ने जबरदस्त ट्रोल किया है। सलीम खान के बर्थडे सेलिब्रेशन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें अर्पिता के बेटे और सलमान के भांजे आहिल दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग अर्पिता के बेटे को पोलियोग्रस्त कह रहे हैं। यूजर ने लिखा है, ये बच्चा पोलियो का शिकार लगता है। सिर्फ यही नहीं, बहुत से ट्रोलर्स अर्पिता के बेटे को विकलांग भी कह रहे हैं। मीट डे इसी बीच अर्पिता ने लिखा, यू ऑल आर डिस्कस्टिंग, कम से कम बच्चे को तो नेगेटिव कमेंट्स से दूर रहने दो। हॉलीवुड में काम करना चाहती है आलिया भट्ट, कहा किसी भी इंडस्ट्री में एंट्री करना है मुश्किल। अभिनेत्री आलिया भट्ट का कहना है कि अगर उन्हें हॉलीवुड में अच्छे अवसर मिलते हैं तो वह वहां काम करना पसंद करेगी। आलिया SS राजमौली की फिल्म RRR से जल्द ही तेलुगु फिल्म उद्योग में दस्तक देने जा रही है। उनका कहना है कि किसी भी नए फिल्म उद्योग में प्रवेश करना मुश्किल है। आलिया ने PTI भाषा को बताया, मुझे उम्मीद है कि मैं कभी हॉलीवुड जाऊंगी और जल्द ही जाऊंगी, यह बिल्कुल एक नए उद्योग में कदम रखने जैसा है और यह आसान तो बिल्कुल नहीं होगा। मुझे यह कहना है, अभिनेत्री फिलहाल अपनी आने वाली फिल्म कलंक के प्रचार में व्यस्त है, वह अभी ब्रह्मास्त्र में काम कर रही है, वह संजय लीला भंसाली की इस इंशा अल्लाह में सलमान के साथ काम करे। फिर से आलिया भट्ट पर फूटा कंगना रनौत का गुस्सा, इस बार ये है वजह। कंगना रनौत बॉलीवुड की कुछ शानदार कलाकारों में से एक है, जिन्हें एक्टिंग के साथ उनके बटबोले पर भी जाना जाता है। कंगना इस दिनों आलिया भट्ट को आड़े हाथों लेते दिखाई दे रही है। पहले उन्होंने आलिया को करण जौहर का पपेट बताया था, इसके बाद एक बार फिर से कंगना का गुस्सा आलिया पर फूटा है। हाल ही में कंगना रनौत का कंपेयर लोग आलिया भट्ट से कर रहे थे।
दोनों की है फिल्म मणिकर्णिका और गली बॉय में उनकी परफॉर्मेंस को लेकर उनकी तुलना की जा रही है। इसी बात पर कंगना को गुस्सा आ गया। कंगना ने एक इंटरव्यू में कहा कि वो बहुत शर्मिंदा फील कर रही है। आलिया ने गली बॉय में ऐसा कौन सा अभिनय कर दिया है जिसे सहारा जा रहा है। फंस गई गोविंदा की भांजी सौम्या सेठ, पति का है क्रिमिनल बैकग्राउंड। टीवी इंडस्ट्रीज में नवव्या सीरियल से कदम रखने वाली एक्ट्रेस सौम्या सेठ अपनी मैरिज लाइफ को लेकर इन दिनों चर्चा में है। काफी दिनों से वो मुश्किल से घिरी हुई है। कुछ दिनों पहले ही एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करके इस बात का इशारा किया था। एक्ट्रेस ने इशारा करके बताया था कि उनको हाल ही में पता चला है कि उनके पति का क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा है। साथ ही उन्हें डोमेस्टिक वायलेंस को भी झेलना पड़ रहा है। इसी के बाद से सौम्या चर्चा में आ गई है। हाउसफुल 4 भारत की पहली पीरियड कॉमेडी फिल्म होगी। राजा राजकुमारी दरबारी और वास्को डी गामा का भतीजा भी होगा। अभी तक आपने पीरियड और बायोपिक फिल्म से सैकड़ों साल पहले ही कहानियां देखी होगी, लेकिन हाउसफुल 4 में जो होने जा रहा है वह कभी किसी कॉमेडी फिल्म में नहीं हुआ। असल में यह पूर्ण जन्म की कहानी है जो 16वीं शताब्दी की होगी। साथ ही प्रेजेंट समय भी इसमें अक्षय कुमार 16वीं सदी के राजा होंगे। तो रितेश देशमुख और बॉबी देओल राज दरबारी, कृति सेनन और कृति खरबंदा तथा पूजा हेगड़े राजकुमारी के किरदार में होंगे। इसमें एक और दिलचस्प किरदार होगा चंकी पांडे, जो वास्को डी गामा के भतीजे का रोल कर रहे हैं। यानी इस साल दिवाली पर पीरियड कॉमेडी फिल्म दर्शकों के सामने होगी। मोहरा 2 में अक्षय कुमार, रवीना टंडन और अजय देवगन होंगे। दिलचस्प प्रेम त्रिकोण। सूत्रों की माने तो मोहरा 2 की सीक्वल बनाने जा रही है, जिसमें अक्षय कुमार, रवीना टंडन और अजय देवगन को साइन किया गया है, लेकिन अभी इसकी घोषणा नहीं हुई है। मोहरा में अक्षय कुमार और रवीना टंडन की लव इंटरेस्टिंग थी, लेकिन इस बार कहानी में थोड़ा बदलाव किया गया है। उसके मुताबिक रवीना इस बार अजय देवगन की लव इंटरेस्ट होगी, जबकि अक्षय कुमार और अजय देवगन दोस्त से दुश्मन बन जाएंगे। इनको भी चढ़ा चुनावी बुखार, अपनी पार्टी का सिंबल भी चुन लिया। इस समय देश में लोकसभा के चुनाव का माहौल है, ऐसे में फिल्मी सितारे क्या सोचते हैं? इस पर जब आलिया भट्ट, वरुण धवन और सोनाक्षी सिन्हा उसका चुनावी सिंबल क्या होगा, इस पर तीनों ने जो कहा वह हंसी छूटने के लिए काफी है। वरुण धवन कहते हैं कि उनका चुनाव चिन्ह कच्छा या चड्डी होगा, तो वही आलिया भट्ट का कहना है कि मेरा चुनाव चिन्ह तो थाली होगा, क्योंकि अभी तक चमचों की परंपरा रही है। वही सोनाक्षी सिन्हा ने अपना चुनाव चिन्ह खामोश बताया है, तो वही सिर्फ काम करेंगे, बोल बच्चन नहीं। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।